हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। तो बहुत जल्द ही आपका एमपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है और अधिकतर कमेंट जो मैं देखता हूँ, लेक्चर डाल रहा हूँ अभी तक, तो अधिकतर कमेंट यही देखता हूँ कि सर मैथ से कहाँ से कंप्लीट करनी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों ने इससे जस्ट पीछे एग्जाम दिया था जो कि जेल प्रहरी का था, उसमें कुछ इस प्रकार की लॉजिकल मैथ्स आ गई थी कि वो बन नहीं रही थी। ठीक है, तो और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो आ तो जाती है पेपर में, पर ये भी पता नहीं चल पा रहा है कि एक्चुअल में किस चैप्टर से आ रही है। तो करना क्या है, पहले वो देखो कि यदि आपने एक बार मैथ्स पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने एक बार नहीं पढ़ी है तो काम नहीं होगा। और दूसरी बार क्या करना है कि पेपर देने से पहले कोई भी स्टूडेंट हो, कोई टीचर हो, कोई भी हो, कि पेपर में एक्चुअल में जो चैप्टर हमने पढ़ा है उससे आया क्या है, यदि वो उसे नहीं पता है तो वो सॉल्व नहीं कर पाएगा पेपर में। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उससे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, उससे ये आपको पता चलेगा कि जो आपने पढ़ा है और पेपर में उसी चैप्टर से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक छोटा सा लॉजिक मैं आपको देना चाहूँगा कि सपोज आप एसडी यादव की पुस्तक से पढ़ते हो, अरिहंत से पढ़ते हो, पुणेकर से पढ़ रहे हो, या फिर आप आर एस अग्रवाल से पढ़ रहे हो, राकेश यादव सर की पुस्तक से पढ़ रहे हो, या फलाना ढिकाना कोई भी टीचर से पढ़ रहे हो, मान लो मुझसे पढ़ रहे हो, अगर आपने पढ़ तो लिया पर क्या एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया? क्योंकि जो भी टीचर होता है, जो भी पुस्तक लिखी गई है, कोई भी पुस्तक आज से 5 साल पहले 10 साल पहले लिखी गई है, परंतु समय बदलने के साथ साथ जब हमारा मोबाइल बदल सकता है, कीपैड वाले से आज टच आ सकता है और टच से 3G 4G और 5G आ सकता है, तो क्वेश्चन का पैटर्न भी बदला होगा, परंतु जो पुस्तक पुरानी लिखी गई है उसमें कोई अपडेट नहीं है। हम वो चीज़ें पढ़ते हैं और पेपर देने जाते हैं, इसलिए हमें सबसे पहले चीज़ें नहीं बनती। तो हमें करना क्या है उस चीज़ पे हम बात करते हैं कि हमने चैप्टर पढ़ा, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर उसी चैप्टर के क्वेश्चन है वो पूरे लगाना है, क्योंकि उसमें जितनी नई सोच डली होगी, नई सोच के अनुसार क्वेश्चन डले होंगे, वो सारे आपकी आँखों के सामने से पेपर से पहले चले जाना चाहिए। अगर वो नहीं गए तो पेपर में आपको जो चीज़ आपने पढ़ी है ना, कितना ही अच्छे से पढ़ लिया हो, मान लो आपने एज भी पढ़ के जा रहे हैं, एवरेज पढ़ के जा रहे हैं, परसेंटेज पढ़ के जा रहे हैं, पर आपको नया इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने नई सोच जो है ना वो नहीं पढ़ी है, आपने वही घिसा पिटा जो मेथड है वही पढ़ा है। तो सबसे पहले तो अगर आप ऑनलाइन किसी से पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ो एक बार, ऑफलाइन अगर पढ़ सकते हैं तो ऑफलाइन कोई भी टीचर से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और यदि आप बैतूल के आसपास हैं तो मुझसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आसपास है कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बाकी हमारे लेक्चर रेगुलर आ ही रहे हैं यूट्यूब पर। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करना कहाँ है, जो चैप्टर आपको टीचर ने पढ़ाया ऑफलाइन क्लास में या ऑनलाइन क्लास में, उसके बाद आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। और यदि आप सिर्फ और सिर्फ एमपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं किसी बुक का पब्लिश नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब पब्लिकेशन हम ये बोल सकते हैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं बता रहा हूँ मेरे पास एक पुस्तक है, ऐसी तो और भी है। तो इसमें क्या दिया है स्पेशली, ये है सॉल्व पेपर, ठीक है, जिसमें सामान्य गणित दिया है 13 से लेकर 18 तक, अगर आपको दिख रहा हो तो 13 से लेकर 18 तक सॉल्व पेपर, ये हर प्रकाशन के होते हैं। ठीक है, मेरे पास पूरे करके आपको जो बेटर लगे वो प्रकाशन के आप प्रीवियस ईयर बुक लेना है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो एक आपको और ऑथेंटिक चीज़ देखने को मिलेगी कि अभी तक आप जिस भी टीचर से पढ़े हो, ठीक है, उसको छोड़कर जिस भी टीचर से आप पढ़ें, आपको 20 चैप्टर समथिंग पढ़ा है उसने, अंक गणित के पढ़ा है, एडवांस कुछ पढ़ा है, बाकी छोड़ दिया, परंतु आप देखोगे तो व्यापम ने टोटल 47 चैप्टर है जो पूछे जा चुके हैं। अगर आपको दिख रहा है तो 47 मतलब व्यापम 47 चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है। तो उसके लिए आपको ये करना है कि जो चैप्टर आपको टीचर नहीं पढ़ा रहा है तो वो आपसे पढ़ना है, उनसे बोलना है कि आप ये पढ़ाओ, या तो आप मुझसे बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, पर यहाँ मैं पूरा डिटेल नहीं पढ़ा सकता। अगर ऑफलाइन होता तो कोई बात नहीं, वहाँ सारी चीज़ें पढ़ाई जा सकती है, बट यहाँ बोर्ड पर एक एक क्वेश्चन लिखना पड़ता है, उसके बाद समझाना पड़ता है, समय बहुत लगता है। मतलब जो लेक्चर आप आधे घंटे एक घंटे का मेरा देख रहे हो ना, कम से कम 3 से 4 घंटे की मेहनत होती है। तो आपको क्या करना है, पहले चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद इसमें अगर देखोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नए नए, मतलब एक से एक क्वेश्चन जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते वो है, इन्हें जब आप सॉल्व करोगे ना तब आपको पेपर में कोई भी चीज़ें नहीं लगेगी। और अगर ये कर सकते तो अच्छी बात है। और उसके साथ यदि आप चाह रहे हैं कि आपका बेसिक बहुत अच्छा रहे तो आप 6वीं से लेकर 5वीं तक की एनसीईआरटी कम से कम पढ़ो, 6वीं 7वीं और 8वीं 3 क्लास की एनसीईआरटी अगर आपने बहुत अच्छे से कर ली तो मैं ये बोल सकता हूँ कि बेसिक इतना अच्छा हो जाएगा कि जो बेसिक से क्वेश्चन आते हैं ना बहुत आसान वाले वो आपसे आसानी से बन रहे होंगे। ठीक है, तो आपको ये करना है, सबसे पहले कोई भी टीचर से पढ़ना है, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, जो चैप्टर आपके टीचर ने पढ़ाया आपको उसी के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूरे क्वेश्चन उस चैप्टर के लगाने हैं। ठीक है, उस चैप्टर के आपने पूरे क्वेश्चन लगा लिए, फिर उसके बाद क्या करना है कि आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको कुछ भी नया उस चैप्टर से मिलेगा ही नहीं, कन्फर्म है, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट भी बनते हैं ना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कॉपी करके बनाए जाते हैं, सिर्फ संख्या चेंज होती है, लैंग्वेज सेम रहती है। ठीक है, तो आप अगर ये करते हैं तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपका
मैथ्स का तो एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। चाहो तो आप एमपी का कोई भी पेपर दे दो या सेंट्रल लेवल का अगर दे रहे तो उसकी पुस्तक अलग आती है, ठीक है। तो मैंने एमपी का बताया, एमपी का कोई भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको सही बातें लगती है, ये सारी चीज़ें सही हैं और आपको ऐसा लगता है हेल्पफुल है, तो इसे शेयर कर दीजिए, ठीक है। और बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा या तो फिर आने वाले लेक्चरों में चीज़ें समझा दी जाएगी, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।